हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है शिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी बज रहे हैं सुबह के चार, मैं व्लॉग सुबह के चार बजे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ जल्दी से मंदिर में जाके पूजा करके आ जाऊँ क्योंकि बाद में बहुत लोग आने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सुबह चार बजे उठ गई हूँ और मैंने सर में देखिए रात को लगाया था तेल, तो मेरे सर में काफी तेल हो रहा है क्योंकि मुझे सर भी धोना था। इसलिए मैं जिस दिन सर धोना होता है उस दिन एक दिन रात पहले सर में तेल लगा लेती हूँ, मालिश कर लेती हूँ सर की। तो चलिए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। बाहर देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल घनघोर अंधेरा हो रहा है। नहा धोकर हो गई हूँ मैं तैयार और मैंने पहनी है साड़ी। आज मैंने पहनी है अपनी बड़ी मौसी की दी हुई साड़ी। ये साड़ी मेरी बड़ी मौसी ने मुझे अपने गृह प्रवेश में मुझे दी थी। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा करने की तैयारी। मैंने प्लेट में रख ली है फूल, माला, बेलपत्र, बेल, धतूरा। ये धतूरा कल मार्केट में 10 रुपये का एक दे रहे हैं, बताओ शिवरात्रि के चक्कर में कितना महंगा कर रखा है। पहले मैं करूँगी घर में पूजा, फिर उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो मेरी पूजा करने के लिए सारी तैयारी हो गई है, तो अब मैं करती हूँ पूजा। अब मैं मंदिर से भी पूजा करके घर आ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। मंदिर जाते जाते मुझे 7 बज गए थे, तो मंदिर में इतनी कोई भीड़ नहीं थी, कम लोग आए हुए थे, तो बहुत आसानी से पूजा हो गई थी। अभी तो थोड़ी देर बाद तो लाइन लगने लग जाएगी। तो अब मैं सबसे पहले बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो पहले हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी मैं केवल काढ़ी जैसी चाय, उसमें अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग डालकर। तो उनकी चाय बन गई है, अब मैं इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती वगैरह डालकर अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो मेरी भी चाय बनकर हो गई है तैयार, अब मैं भी चाय का आनंद लेती हूँ। और मैं पी रही हूँ चाय स्टील के गिलास में है क्योंकि हमारे यहाँ पर जब फास्ट होता है, जिस दिन हम व्रत रखते हैं, उस दिन हम सिर्फ स्टील के बर्तनों में ही खाते पीते हैं। मतलब व्रत वाले दिन चिकनी मिट्टी के बर्तन यानी कि कप और कांच के गिलास जैसे बर्तनों में हम खाते पीते नहीं हैं। क्या आप लोगों के वहाँ भी ऐसे ही करते हैं? और देखिए आज मैंने पहना है चश्मा, ये नंबर वाला चश्मा नहीं है, ये 0 नंबर का है। मैं जब पहले जॉब करती थी तो तब मैंने ये चश्मा बनाया था कि जो कंप्यूटर की जो रेज होती हैं वो हमारी आईज़ पर इम्पैक्ट ना करें, तो मैंने ये एंटी क्लेयर वाला 0 नंबर का चश्मा बनाया था उस टाइम पर। तो अभी मैंने ये इसलिए पहना है क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ एडिटिंग। लैपटॉप में अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि मैं नई फाइल लेनी है मुझे एडिटिंग करने के लिए। हस्बैंड जी और मेरा दोनों का ही फास्ट है, तो और 8 बज रहे हैं, सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ भी हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय पीते पीते एडिटिंग ही की जाए। आप सभी आज मुझे फर्स्ट टाइम जो है स्पेक्स में देख रहे हैं, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ स्पेक्स में? लिप्स भी इतने ड्राई ड्राई हो रहे हैं, फास्ट है ना, तो इसलिए कोई लिप बाम या लिपस्टिक वगैरह या लिप ग्लॉस कुछ नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं हम रेगुलर बेसिस पे लगाते तो थोड़ा सा झूठी वगैरह होती है, तो मैं फास्ट के दिन पर लिप्स पे कुछ नहीं अप्लाई करती हूँ। तो चलिए अब मैं चाय पीते पीते करती हूँ एडिटिंग का काम। एडिटिंग का काम ख़त्म करके मैं आ चुकी हूँ रसोई में और मैंने एक चीज़ बना दी है, ये देखिए मैं खीर बना चुकी हूँ, कितनी बढ़िया लग रही है ना, यम्मी रबड़ी जैसी। तो खीर मैंने बना दी है और इसका कलर ऐसा ब्राउन ब्राउन सा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने खांड डाल के बनाई है। तो खीर तो हो गई है मेरी रेडी और यहाँ पर कर रही हूँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी। मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे जो है तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, एक तेज पत्ता, और व्रत का खाना बन रहा है तो प्याज लहसुन नहीं डल रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च को मैंने इस तरह से चॉप कर दिया है। मैंने हाइब्रिड टमाटर लिए इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। अब इसमें डालते हैं मसाले, मैंने 2 छोटी चम्मच सेंधा नमक डाला है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। मैंने खड़े मसाले में सिर्फ तेज पत्ता ही डाला है, बाकी और चीज़ें डाली है ऐसे बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह, क्योंकि व्रत में
मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ। मसाला भुनने के लिए इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। मैंने हरी मिर्च डाली हुई है इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। देखिए मसाले भुन गए हैं, ऑयल जो है अलग हो गया है। अब यहाँ पर मैं डालूंगी मटर। कवर करके मटर को थोड़ा सा पकाएंगे। मैंने कवर कर दिया है, थोड़ा मटर को भी भून लेंगे मसाले के साथ। मटर को मैंने 5 मिनट भून लिया है। देखिए तेल अलग हो रहा है। मटर पनीर की हम सब्जी बना रहे हैं और व्रत की सब्जी है तो इसमें प्याज लहसुन नहीं डलेगा और ग्रेवी प्याज से ही बनती है। तो अब हम ग्रेवी बनाने के लिए क्या करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्ची मूँगफली को भिगा कर उसका पेस्ट बना दिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे कितने ग्रेवी बनाने के लिए काजू का पेस्ट का यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं सोचा था आज मैं मखाने की ग्रेवी बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने देखा तो मखाने ख़त्म हो रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि कच्ची मूंगफली पड़ी है तो क्यों ना उसी की ग्रेवी बनाई जाए। तो मैंने ये 2 मुट्ठी करीब मूँगफली ली थी, उसको मैंने भिगा दिया था। मैं इसी में पानी डालकर इसमें डाल दूँगी। आप सब्जी में एक अच्छा कलर चाहते हैं तो उसके लिए आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने तो हरी मिर्च डाली हुई है। अब मैं सब्जी में उबाल लूँगी। सब्जी में देखिए जैसे ही इस तरह से उबाल आने लगेगा फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो और सब्जी को एक बार ही चला देंगे और अब इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। मटर को 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसे हम चला लेते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर। अब इसे फिर से कवर कर देती हूँ। जब तक मेरी सब्जी बनकर तैयार होती है तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ। मैंने इसमें हरी मिर्च यूज़ करी हुई है और फिर मूंगफली का पेस्ट है तो उस वजह से जो सब्जी का कलर है लाइट हुआ है। तो हम यहाँ पे मटर चेक कर लेते हैं कि मटर पकी है या नहीं पकी है। मटर पक चुकी है तो हम यहाँ पे गैस कर देंगे ऑफ और मैं डालूँगी बारीक कटा हरा धनिया। देखिए वही धनिया है जो मैंने काट के टिफ़िन में रखा था, अभी तक हरा है। तो सब्जी भी रेडी हो गई है, सब्जी को रख देते हैं साइड में। आधे से ज़्यादा काम मेरा हो गया है। खीर बना दी है मैंने, सब्जी बना दी है, आटा गूंद के रख दिया है और टाइम हो रहा है 7:15। अब मैं करती हूँ पहले पूजा और पूजा करने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो पूजा करते ही मैं तुरंत रोटी बना दूंगी क्योंकि पास्ता तो सुबह से मैंने ना कोई फ्रूट खाया है, ना कोई जूस, ना कोई दूध। मैं मोस्टली फास्ट ऐसे ही रखती हूँ, कोई फ्रूट जूस दूध वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ मैं। तो अभी मैं करती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मैंने रोटी बना ली है। मैंने रोटी बनाई है क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला कि पूरी नहीं खाएंगे, पूरी बहुत कम खाते हैं वो, तो इसलिए मैंने रोटी बना दी है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक कच्चा आलू जो है कद्दूकस कर दिया है, जो मोटर साइड होता है वहाँ से मैंने कद्दूकस किया है और थोड़ा बेसन डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं और मैं इसके बनाने जा रही हूँ पकौड़े। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए मैंने बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है। मैं इसमें अजवाइन डालना भूल गई हूँ, थोड़ी सी अजवाइन डाल देती हूँ। अजवाइन को भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने इसमें हरी मिर्च और धनिया पहले ही काट के डाल दिया था तो तेल भी हो गया है गरम। तो इसमें अब मैं डाल देती हूँ, छोटी छोटी पकौड़ी इसे बनाऊंगी। बहुत बेसन नहीं डालना मैंने, थोड़ा सा बेसन डालना है। एक बड़ा आलू ही कद्दूकस किया था और 2 चम्मच बेसन लिया था, इतने में इतने पकौड़े बने हैं। अब मैं इन्हें निकाल देती हूँ बाहर। तो खाना हो गया मेरा रेडी। गैस हो रही है गंदी, प्लीज़ इग्नोर करना। तो खाना खाने से पहले मैं यहाँ पे गौ माता के लिए निकाल रही हूँ रोटी, सब्जी, अग्निदेव जी को भी चढ़ाना है, थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी पकौड़ी और थोड़ा सा इसमें जल डाल देंगे। जल डालना बहुत ज़रूरी होता है
कि बिना पानी के भोजन नहीं दिया जाता। और इसको मैं ऐसे करके प्रणाम कर दूंगी। अब मैंने अपने लिए भी सजा ली है थाली, अब मैं भी खाना खा के अपना व्रत खोलती हूँ। तो ये था मेरा महाशिवरात्रि व्लॉग, मैंने महाशिवरात्रि कैसे मनाया ये मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो। मेरा व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे व्लॉग को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।